अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पीएफ म्यूजियम। आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलवाना है जिनसे आज सिर्फ शायद उनकी फैमिली ही नहीं पहचानी जा रही होगी बल्कि पूरा पाकिस्तान फख्र करता है एक फख्र के ऊपर। जी हाँ, आज मैं आपको फख्र आलम से मिलवाऊंगी जो कि सिर्फ फख्र नहीं रहे बल्कि फख्र पाकिस्तान बनकर सामने आए। हाँ, ये मिलते हैं अपने हीरो से जिसका नाम है फख्र आलम। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, गुड टू सी यू। अभी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यूं है कि आप जाती हैं सबके घरों पे, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो एक नॉर्मल सी चीज है घर पे जाना, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने दिल के घर में बुलाऊं। ये देख रहे हो पीछे, ये मेरे दिल का घर है। तो घरों पे तो आपने ड्राइंग रूम देखे होंगे, बहुत सारे डाइनिंग रूम देखे होंगे, बहुत सारे खाने पीने देखे होंगे, लेकिन ये वो वाला घर है मेरा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसका सही तरीके से टूर दिया जाए। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली सादिया, ये एयरफोर्स म्यूजियम है, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम शाहराए फैसल कराची। मेरी जिंदगी में इस म्यूजियम का बड़ा अहम रोल रहा है क्योंकि जब 2005 का जलजला आया था कैसे तो वो इस म्यूजियम पे ही मुझे इसके पार्किंग लॉट में जो इजाजत दी गई थी कि यहाँ पे सामान इकट्ठा किया जाए। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि ये म्यूजियम मिशन प्रवास की कामयाबी में इस म्यूजियम का बड़ा हाथ है क्योंकि मैं वक्तन फवक्तन कराची में जब होता हूँ तो मैं यहाँ आता था, कभी शोज के लिए आता था, कभी वैसे आता था सिर्फ जहाज़ों को देखने के लिए। अच्छा, ये सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये F-104 है, बेसिकली स्टार फाइटर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का, बहुत ज़बरदस्त 65 की जंग का बहुत ज़बरदस्त जहाज रहा है ये। और इस जहाज का, ये वाला जो पर्टिकुलर जहाज है, इसकी कहानी ये है कि ये सरगोधा से टेक ऑफ हुआ था, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा था, दुश्मन का एक जहाज हमारी फजाई हदूद में आया हुआ था उसको रोकने के लिए। और इस जहाज ने, ये जहाज जो है इसका नाम है जिनैट, नैट कहते हैं इसको, बट जी नैट इसकी स्पेलिंग है। ये ब्रिटिश सिंगल इंजन फाइटर है, ये इंडिया का फाइटर है, ये इंडिया का जहाज है, ये हमारी वॉर ट्रॉफी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉर ट्रॉफी। हमने इस जहाज को उतारा था और ये उसके वो जो थे पायलट थे जिनको हमने जेल हिरासत किया था, बिल्कुल यहाँ पर इनको रोका था। तो ये उनका हेलमेट भी हमारे पास है और ये जो है आपने देख लिया कि इसने उतारा था, ये तो, वो था so हमारा फाइटर, ये हमारा फाइटर था दुश्मन का। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब थे जिन्होंने, जो बाद में एयर चीफ भी बने थे, उन्होंने फ्लाई किया था उसे। और मेरे पीछे जो है ना ये जहाज, अब उसको दिखाने से पहले इसको इंट्रो फटाफट तुम्हें दे दूं। ये जहाज जो है, ये जहाज इसलिए तारीखी है क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख है एविएशन की, उसमें पाकिस्तान का जो है मनाम मिलिट्री एविएशन में आता है, और वो जब आता है तो वो एक दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो है MM आलम साहब का। बिल्कुल, उन्होंने एक मिनट में 5 दुश्मन के जहाज गिराए थे, वो F-86 सेबर, ये वाला जहाज है, यही जहाज है, दिस इज, ये एक्चुअल F-86 सेबर है, ये उसकी तरह का नहीं, ये वो वाला जहाज है जिसमें, ये वही जहाज है जिसमें MM आलम साहब बैठे थे और उन्होंने दुश्मन के जहाज गिरा दिए थे। ये पूरी उसकी हिस्ट्री है, जो लोग अपने बच्चों को लाते हैं वो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ये F-86 सेबर है। अच्छा, बाय द वे, बहुत सारे लोग जो है ना वो अक्सर समझते हैं कि ये बम लगा हुआ है, ये बम नहीं होता, इसको ड्रॉप टैंक कहते हैं, ये फ्यूल की आपको, आप इसमें फ्यूल लेके चलते हैं एक्स्ट्रा ताकि आपकी रेंज जो है वो, एक्चुअली जो मिसाइल्स है वो ये निकल, वो मिसाइल लगा हुआ है, ये आपका मिसाइल है इसका, और ये जो है उसके अपना गनिंग पोर्ट्स है, ये गनिंग पोर्ट्स हैं, ये जो निकलती है ठक ठक करके ना, और ये मिसाइल से, सो वेल डन, देखा इतनी तो मुझे भी है। तो ये F-86 सेबर है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो मुझे ये म्यूजियम इसलिए इंस्पायर करता था कि यार मैं हवाबाजी में कुछ करूं, मेरा नाम भी हवाबाजी की तारीख में है, बचपन में मेरी ख्वाहिश जो थी वो, तुमने ये ट्रेनिंग कब हासिल किया हमें नहीं पता चल पाया, ये तो मेरे लिए इतना हैरान कन बात थी। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ये बतानी बड़ी जरूरी है। इस स्टोरी की कहानी यूं है, ये कहानी इस तरह चलती है, ये कि मेरा बचपन का ख्वाब था पायलट बनना। ओके। और बचपन में फिर मुझे एक, और मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, पाकिस्तान एयरफोर्स में होना चाहता था, लेकिन मेरी नजर कमजोर थी और मेरी मैथ बहुत कमजोर थी, तो मैंने कहा भाई मैथमेटिक्स कमजोर है तो पुत्र तू तो नहीं जा सकता एयरफोर्स से, तू रहन दे, तेरे बस की करनी है। मैथ कमजोर थी तो नहीं पहुंच पाया था रशिया। उसके बाद फिर मुझे, यू नो, कहते हैं ना लाइफ टुक ओवर, मतलब जिंदगी होना शुरू हो गई, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। फिर 2015 में मेरे पास वक्त था और कुछ पैसे थे, मैंने कहा यार मैंने जो बचपन का ख्वाब था, मैं पायलट लाइसेंस लूंगा, मैं फ्लाइंग में अपना पायलट का लाइसेंस लूंगा।
मैं अमेरिका चला गया, 2015 में मैंने अपना लाइसेंस लिया प्राइवेट पायलट लाइसेंस अमेरिका से, प्राइवेट पायलट लाइसेंस 2015 में लिया और फिर पाकिस्तान आया और अक्टूबर 2015 में कराची प्रेस क्लब में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि आपके समा टीवी ने भी कवर की थी, जो सारे चैनल से भी की थी और मीडिया में भी आया था, जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं अराउंड द वर्ल्ड अटेम्प्ट करने लगा हूं। तो 2015 से ये मुझे 2018 3.5 साल लग गए इसको मिशन को हकीकत ये खबर मुझे इसलिए नहीं पहुंची कि आप सबको पता है 2013 में मैं जर्मनी के लिए मुझे पता है, मुझे तो वो जो एक शादी के बाद के हालात होते हैं ना, अच्छे खासे आदमी को घुमा के रखते हैं। तो फिर मैंने जब पायलट लाइसेंस ले लिया तो मैंने कहा इसका कुछ करना भी है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और अपना नाम तारीख में किस तरह रकम करा सकता हूँ, मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ कि मेरे मुल्क को मुझ पर फख्र हो और मेरा नाम जो है वो मुल्क की तारीख के साथ जो है हो जाए। तो मैंने कहा फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं दुनिया का मैं सर्कम नेविगेशन करता हूँ और फिर इस तरह सर्कम नेविगेशन की जो है वो कहानी शुरू हुई। ये जहाज जो है ये बहुत जबरदस्त पीस है हिस्ट्री का, आपकी एविएशन हिस्ट्री का, ये वाइकिंग है। और ये पता है क्या है इसकी सादिया हिस्ट्री, ये वाइकिंग जहाज वो जहाज है जिसमें कायदे आजम सफर किया करते थे, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जहाज है जो कि आपके सामने मौजूद है। और एक चीज जो बहुत कम लोगों को करने को मिलती है वो ये कि मेरी खुश नसीबी है कि इसको आप अंदर से देख अंदर सकेंगे, मैं देखूंगी इसको। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स इसको मेंटेन करती थी, आप देख सकती हैं एयरफोर्स की इसका जो है वो साइन मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा इस पे जो है वो मौजूद है। टेल ड्रैगर होता था ये बेसिकली एक जहाज था DC-3 मैकडोनल्ड डगलस DC-3, ये DC-3 का जो है ना नौयत का जहाज था। एंड टायर आप देख सकते हैं इसके कितने बड़े होते थे, ये स्केल है अगर आप देख रहे हैं ये मतलब ये असल टायर है इसका जहाज का, यू नो ये ओरिजिनली ये ओरिजिनल है, दिस इज ये सब ये ओरिजिनल है, इसमें कोई सिर्फ इसकी मेंटेनेंस की गई है और इस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम और यहाँ के जो करते धरते हैं उस्मान गनी साहब। जब मैं 2005 में जलजले के वक्त यहाँ पे आया था मैं, तब से उस्मान गनी साहब इसके क्यूरेटर और बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस जगह को अपना खून पसीना दिया है। पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख को, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख को इतने ग्लोरियस तरीके से डिस्प्ले करने में इस इंसान का बड़ा हाथ है। आई मीन ही इज अ नेशनल हीरो इन हिज ओन यू नो इन हिज ओन वे। तो आपको ये जहाज दिखाता हूँ और आपको वो सीट दिखाता हूँ जिस पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बैठा करते थे। ये एक एग्जीक्यूटिव जहाज है, कालीन देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल कालीन है इसका, जिसपे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सफर किया करते थे। उस सीट के कदमों में बैठी हूँ जहाँ कायदे आजम साहब बैठे थे, मैं ये फीलिंग अपनी मेरे ख्याल लफ्जों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, ये बयान भी नहीं कर सकते, यू नो आप सब लोग तेज हो रही है कि मुझे लग रहा है मेरे सामने बहुत तारीखें मैं बता रहा हूँ। और अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स और एयरफोर्स म्यूजियम वालों ने क्या कमाल किया, ये ओरिजिनल अपोल्स्ट्री वगैरह इसकी रिस्टोर करके रखी हुई है सारी, सब ओरिजिनल, कोई चीज नहीं चेंज की हुई इन्होंने। जी तो फाइनली हम उस जहाज के अंदर हैं, मेरे सामने कायदे आजम साहब बैठे हुए और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा दिल कर रहा है बातें करूँ। यार फखर कोई एक होता है जो आपके अंदर से निकालता है आपको भी, वो तुम्हारे अंदर हमेशा रहा हीरो। हीरो नहीं, मैं हीरो तो यार हीरो तो हर पाकिस्तानी है सादिया, हर पाकिस्तानी शहरी मेरी नजर में पता है हीरो कौन है। मेरी नजर में पाकिस्तान का असल हीरो जो है ना वो मेहनतकश मजदूर है जो सुबह घर से निकलता है और उसका टारगेट ये होता है कि मैंने आज इज्जत की दो नवाले अपने हलाल के अपने बच्चों के लिए कमा के लेकर आने। पूरे ट्रिप में कहां कहां तुम्हें लगा कि यार ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ये लम्हा मैं नहीं भूल सकता। पहली बात ये कि जब मैं पहली दफा इसमें आया हूँ कायदे आजम के जहाज में, इस ट्रिप पे तो नहीं था लेकिन ये मैं कभी नहीं भूला, पहली दफा जब मुझे इजाजत मिली थी इसको देखने की और आज फिर एक दफा आया हूँ यहाँ पर। इस ट्रिप पे मिशन प्रवास के दौरान जब मैं ग्रीनलैंड पहुंचा ना नॉर्थ अटलांटिक की क्रॉसिंग करके, तो ग्रीनलैंड मैंने देखा तो मुझे मतलब जो आप दिल से नहीं होता अल्लाह वाह तेरी कुदरत कि अल्लाह मियां का कहते ना जमीन पे जन्नत है, जमीन पे जन्नत सिर्फ बर्फ है, मीला मील तक सिर्फ और सिर्फ मीला मील है, पूरे का पूरा ग्रीनलैंड आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सफेद है, ठीक है, इट इज अनटच्ड ग्लेशियर्स हैं वो सारे, ठीक है, और वहां पे बहुत छोटे छोटे से कस्बे हैं, आबादियां हैं, मतलब कोई वो नहीं है, वहां भी लोग आबाद हैं, आबाद हैं, ठीक है ना, और उनको वो है। तो एक तो ग्रीनलैंड का मुझे जो था बहुत खूबसूरत लगा, अलास्का मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मतलब अलास्का तो बहुत मतलब वो है, आइसलैंड भी था लेकिन जो अलास्का और ग्रीनलैंड था वो तो मेरे याद रहेगा हमेशा, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और तीसरी जगह जो मुझे मतलब जिसने मेरा दिल जीत लिया वो डुब्रोवनिक था क्रोएशिया,
वो जो डुब्रोवनिक मैंने सुबह उठ के देखा, जो रात में पहुंचा तो रात को नजर नहीं आया, जब सुबह होटल में उठा देखा तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। बट वो एड्रियाटिक सी पे यू नो कोस्टल टाउन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यू नो, तो वो मेरे लिए वो था। लेकिन मेरे लिए जो यादगार लम्हा था ना, मेरे लिए तीन जगह पे बड़ी जबरदस्त चीज रही। एक एडलेट एयरपोर्ट पे प्लेन स्पॉटर्स फेंस की दूसरी तरफ दूर खड़े हुए तस्वीरें ले रहे थे, वो 20-25 लोग जहाज की, तो मैं पैदल चल के बहुत लंबा रास्ता था उनके पास चला गया। तो जब मैं उनके करीब पहुंचा, उसने कहा हे आर्ट यू द पायलट दैट प्लेन, मैंने कहा यस। तो कहते हैं यू फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा यस। तो कहते हैं यू द वन फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड, मैंने कहा यस मैन, हाउ डू यू नो, कहते हैं हे मैन वी प्लेन स्पॉटर्स, वी नो एवरीथिंग अबाउट एविएशन। ओह माय गॉड, उनको पहले से पता था कि ये बंदा कर रहा है, कहते हम तो इसी तेरी जहाज के चक्कर में तो आए। तो मैंने कहा गो अहेड टेक माय पिक्चर्स। तो उन्होंने कहा वी गॉट लॉट्स ऑफ योर पिक्चर्स, तुम्हारी तो लैंडिंग भी हमने जहाज की तस्वीरें उतारी है ना। तो इट वॉज रियली रिमार्केबल। दूसरा ये कि जब मैं रशिया में दूसरे शहर में रात को खाने के लिए निकला ना, तो चूंकि मैं आजाद हुआ था तो मैं यूनिफॉर्म ही फिर रहा था अपनी, जो जैकेट थी उसमें मेरा पाकिस्तान का झंडा लगा होता था उस वाली जैकेट पे भी। तो मैं जिस रेस्टोरेंट पे गया तो मैंने कहा वो फिश बर्गर चाहिए मुझे, तो उसने वो फूड स्टॉल टाइप की जगह थी, तो उसने फिश बर्गर देखा, उसने यूं करके देखा, उसने कहा व्हाट दिस, मैंने कहा माय फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग। तो उसने कहा ओके ओके, उसने कहा आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर यू, मैंने कहा नो आई जस्ट वांट फिश, मतलब मैंने कहा फिश ही चाहिए भाई, तू मैंने कुछ और ना दे नहीं। उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसने जब बर्गर दिया मुझे तो नहीं, उसने बन जो थे हरे रंग के बन दिए, उसने कहा फॉर यू फॉर पाकिस्तान वेलकम टू रशिया। मैंने उसने वो झंडा, तो मैंने तस्वीर भी ट्वीट की थी कि बर्गर पकड़ा हुआ हरे रंग का हरे झंडे के साथ, विच इज रियली वेरी स्वीट। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये करने को मिला, और सिर्फ ये करने को नहीं मिला खाली कि मुझे अपने मुल्क का झंडा साथ में ले जाके अपने मुल्क का नाम जो है जगह जगह पहुंचाया। जहां उतरता था हर कहते थे, बड़े बहुत सारी जगहों पे जो नहीं जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आते थे जहाज पे लिखा हुआ था पायलट इन कमांड फखर आलम, दिस फ्लाइट इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नीचे बड़ा सा पाकिस्तान का झंडा, मिशन प्रवास का, अगर आप तस्वीरें देखें तो उसमें आपको नजर आएगा। तो वो सब आते थे, देखते थे missionprawas.com, जाते थे, पढ़ते थे, करते थे, मिल जाते थे, यू फ्रॉम पाकिस्तान, यू फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड, यू फ्लाइंग दिस सिंगल इंजन अराउंड द वर्ल्ड। तो वो बड़े हैरान होते थे, और मेरा यही मकसद था कि भाई वो जो खबरों में देखते हैं सब कुछ चीजें ना, वो पाकिस्तान में यही हो रहा है और वो हो रहा है, यूं है ये, मैं कह रहा था कि वो है। तो वो आते लोग तस्वीरें खिंचवाते थे आके, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू जहाज के साथ, जो एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ की, मैं कहता था यस प्लीज बाय ऑल मींस। तो मैंने कहा डू विजिट पाकिस्तान, प्लीज कम डू विजिट पाकिस्तान। तो मैंने कहा यार ये एक चीज है कि अपने मुल्क का नाम जिस तरीके से भी हम कर सकें उसके लिए करते हैं, एंड आई वाज ट्रूली ग्रेटफुल। कभी लगा कि यार मौला बस अब तेरे हवाले दे दिया। अच्छा, तीन हादसे ऐसे हुए जहाज में जो कि थे बड़े चैलेंजिंग। एक तो ऐसा था कि जिसमें जो था वो यूं था कि लो भाई ये तो कलमा पढ़ लो, वो जो उसमें जब मैं बचत के निकला तो उसके बाद तक काफी देर तक तो मैं कामता रहा हूं। वो हुआ ये था कि एलिस स्प्रिंग से मैंने जब टेक ऑफ लिया तो एलिस स्प्रिंग से मुझे उसने अचानक कहा तुम VOR बेरिंग पे फ्लाई अब कोई करता नहीं है, तो पुरानी वो है टेक्नोलॉजी। लेकिन उसने अचानक मुझे कहा November 9, 8:54 फ्लाइट आउटवर्ड बेरिंग ऑफ VOR 253। मैंने कहा ये अच्छा, मैंने तो VOR की ट्यूनिंग वो रेडियो भी नहीं ट्यून किया होता, फ्रीक्वेंसी भी नहीं ट्यून की थी, और मुझे पता नहीं था। मैं फटाफट इधर उधर से वो अपना जो एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन खोल के उसमें से VOR की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा था। मैंने वो अपना अप्रोच प्लेट निकाली, VOR की फ्रीक्वेंसी में डाल रहा था, उसमें उसने मुझे एक और हेडिंग दी। तो मैंने कहा अच्छा हेडिंग है, चूंकि मैं हैंड फ्लाई कर रहा था तो मैंने वो हेडिंग टर्न करना शुरू किया। वो मुझसे नहीं कह रहा था, वो दूसरे, लेकिन मैं चूंकि डिस्ट्रैक्टेड था तो वो जब मैं यूं घुमा हूं तो मुश्किल से अभी मैं यूं ही हुआ हूं, तो मेरे सामने से एक और छोटा जहाज जो है बिल्कुल हम लोग कोई 200 फुट या 300 फुट के करीब से, वो तो उसने मुझे, मैंने जब जूई मुझे उसका झलक से महसूस हुई तो मैंने दूसरी तरफ बैंक की, और शुक्र है उसने दूसरी सुबह बैंक्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, वरना अगर वो मैं ना देखता तो वो तो मैं घुस गया था उसके नीचे से, उसके अंदर घुस जाना था और वो मिड एयर हो जाना था। तो वो एक बस था कि जिस वक्त ये हुआ कि जब वो हो गया और मैं वापस हुआ स्टेबल हुआ, वो टावर मुझसे बात कर रहा था, मैं सुन हो गया था बिल्कुल, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ है अभी मेरे साथ। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस जहाज का कॉकपिट, तो अंदर आ जाइए। अच्छा जी, ये कॉकपिट, कॉकपिट में आ गए जनाब, इंजीनियरिंग सीट पर, इंजीनियरिंग सीट पे, सारे इंजीनियर का काम होता था ये सारी चीजें मॉनिटर करना।
और ये टेक्नोलॉजी जो है ना, बड़े अरसे तक आप जब बोइंग्स वगैरह में भी, एयरबसेस में भी ना इंजीनियर पीछे बैठा करता था, ये तो अब जो है दो लोगों का कॉकपिट बन गया है, इसमें इंजीनियर की जरूरत नहीं होती, जो वो एवियोनिक्स में आ गया, सारा सिस्टम उसमें आ गया। बट ये देख लेंगे इवन एविएशन की तारीख के मुताबिक भी अगर ये कोई गोरा देखेगा ना आके, ये वाला जहाज उसको अंदर से देखने को मिल जाए तो वो तो इसमें से दो घंटे तक नहीं निकलेगा, वो तो इसकी मतलब वो पागल हो जाएगा इसको अप्रिशिएट करता करता। बट बेसिकली फ्लाइंग के हवाले से मैं बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती चीजें, ये बड़ा इसको मतलब ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे जो पैनल है, और ये ट्रू कॉकपिट इसको कहते हैं, जो सही एविएटर होते हैं ना वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये विंटेज स्टाइल कॉकपिट इस्तेमाल करने के लिए। ये आपका इंजन है बेसिकली, ये सारे थ्रॉटल्स वॉटल्स आपके जो है, ये आपके हाइड्रोलिक्स आ जाते हैं सारे के सारे, ये सारी फ्यूल फ्लो वगैरह आप चेक करते हैं इधर से। लेकिन चूंकि ये पुराना जहाज है तो मेरे लिए भी इसमें बहुत सारे सिस्टम है जिनको मैं जानता ही नहीं, पहचानता नहीं। योक है आपकी जहाज को लेफ्ट राइट करने के लिए, ठीक है ना, और इसको आप आगे पीछे करते हैं तो जहाज आगे अगर करते हैं तो जहाज नीचे जाता है, पीछे खींचते हैं तो ऊपर की तरफ आता है। एल्टीट्यूड आपके पास है, ट्रैवल में मुझे बताओ खाना पाकिस्तानी मिला? ऑस्ट्रेलिया में मुझे पाकिस्तानी खाना मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था सादिया वो ये था कि आइसलैंड, कैफलेविक आइसलैंड में रात को मैं जब होटल पहुंचा, मैंने कहा खाने की क्या जगह, उसने कहा साथ ही बहुत सारे रेस्टोरेंट चले जाए, मैं बाहर निकला, मेरा ख्याल चार पांच दुकानें आगे मैं गया हूं तो मैंने देखा लिखा हुआ कबाब हाउस, लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ लैम बिरयानी। मैं अंदर गया, मैंने कहा बिरयानी, मैंने समझा कोई देसी लोग होंगे, वो अरबी थे, उन्होंने खोला था लेकिन वो बिरयानी सर्व करते थे, वो बिरयानी उन्होंने सर्व की तो क्या लजीज बिरयानी थी। मैंने कहा यार ऑफ ऑल द प्लेसेस आइसलैंड में कैफलेविक में आके मैं बिरयानी खा रहा हूँ, बट आई गॉट देसी फूड। बाहर निकलते ना अपने खाने की लज्जत, अपने खाने की, अपनी चाय की, आपको टेस्ट मिस करना शुरू हो जाता है। मुझे मिल गई उधर कैफलेविक में मिल गई, फिर उसके बाद पाकिस्तान तक देसी खाना नहीं था नसीब, फिर दुबई में था लेकिन पाकिस्तान में आके सही तरीके से देसी खाना हुआ, फिर बांग्लादेश में बड़ा अच्छा खाना था, उसके बाद आगे जो थाईलैंड में तो सारे मीठे कोकोनट के खाने खा खा के बेड़ा अगर गुना शुरू हुआ मेरा फार ईस्ट में, तो दिमाग मेरा खराब हो गया था। और एक बड़ा मसला आता है कि हलाल खाने का, हलाल मीट का बड़ा मसला आता है, तो वो मैं सी फूड खा खा के मतलब मेरी तो बाजा बज गया था, मैं तो ढूंढता था कि कहीं पे। अच्छा जापान में मजे की बात है, नगोया में मुझे हलाल रेस्टोरेंट मिल गया, वो भी अगेन वो टर्किश थे लोग, उन्होंने शोरमा स्टॉक खोला हुआ था हलाल शोरमा, तो मैं जवाब मैंने कहा मुझे दो शोरमा बीफ दो सारा जितना दे सकते हो, मतलब मछली खा खा के तंग है। सो गुड, निकले हम यहां से, थोड़ा सा गर्मी हो रही है ना काफी, गर्मी तो छोड़े वो एक फीलिंग अलग हो रही है, बड़ी तारीख है यार इसकी, बहुत तारीख है, आए आपको बाहर लेके आते हैं जनाब, एक छोटे सा ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, और अभी ये सिलसिला जारी है, ये तारीखी सिलसिला तारीख के साथ जारी रहेगा। मैं सोचती हूँ तुम्हें क्या कहूँ मैं, आर्टिस्ट सिंगर, मेरा ख्याल है बेस्ट चीज जो आप मुझे कह सकती हैं वो पाकिस्तानी कह सकती हैं। बताओ कि जब बहुत हिला दिया ना पूरा पाकिस्तान वाली मोहब्बत में हिल गया कि फखर को कैसे रशिया में रोक लिया गया, और सबने तो बहुत हुआ क्या था, क्यों टाइमिंग की क्या? हाँ, टाइमिंग देखिए, जब आप ये बैन अल-अक़वामी फ्लाइंग कर रहे होते हैं ना, इंटरनेशनल फ्लाइंग कर रहे होते हैं, तो सारी जो फ्लाइट प्लानिंग आती है ना, जो कंपनी आपकी फ्लाइट प्लानिंग करती है डिस्पैच कंपनी, वो करती है जीएमटी टाइम पे, जिसको हम एविएशन में जूलू टाइम भी कहते हैं, यानी कि वो ग्रैंड मेरिडियन टाइम होता है। तो अगर आप देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान में 12:30 बज रहे हैं तो जीएमटी मेरा ख्याल है 4 घंटे जो है वो पीछे है हमसे, तो इस वक्त वहां पे 8:30 बज रहे होंगे मसल, ठीक है। तो वो मैंने चूंकि अब ये याद रखिए कि मैं अपना मेजोरिटी सफर कर चुका हूँ, अब ये मेरे आखिरी 4-5 दिन रह गए, तो मैं सुबह जब जापान में 3 बजे जहाज पे पहुंचा, 4 बजे जहाज पे पहुंचा, मैं जो फ्लाइट प्लान आया डिस्पैचर ने कहा जी आपका फ्लाइट प्लान है, मैं फ्लाइट प्लान देखा, फ्लाइट प्लान में पहली चीज आप देखते हैं ना डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, तो वो मैंने देखा डिपार्चर टाइम जीएमटी 28 तारीख, अराइवल टाइम जीएमटी 28 तारीख। मेरा जो रशिया का वीजा था वो 3 दिन का था, 26, 27, 28, यानी कि इनमें से किसी दिन भी आपने पहुंचना है, 28 के बाद, और फिर आप उस 10 दिन रह सकते हैं। सही। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा 28 तक है, ये 28 है, ये 28 है। मैंने ये जो मुझे कैलकुलेशन निकालनी थी कि मैं जो हूँ वो 10 घंटे या 12 घंटे के टाइम जोन पे अलग हूँ, वहां पे तारीख बदल गई है, तो वो या बदल जाएगी जब मैं पहुंचूंगा, तो वो मुझसे मिस कैलकुलेशन, वो मेरा लैप्स था। अंदर गए तो वो मसला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। जब वो मसला कॉम्प्लिकेट हो गया, उन्होंने कहा कि भाई आपका तो वीजा, मैंने कहा जी कितना, उन्होंने कहा जी 6 घंटे हो गए, अब तो तारीख बदल गई है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, 6
छह घंटे हो गए तो कोई इतना बड़ा इशू क्या हो गया। बड़ी जल्दी से उन्होंने, खैर वो करते कराते मुझे कमरे में डाला उन्होंने, और उस कमरे में डाला तो मैं जब बैठने लगा तो मैंने कहा मैं फोन निकाल के ना गूगल सर्च करूं कि इसका प्रोसीजर क्या अगर वो है, तो मैंने फोन निकाले तो नो 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 फोन उठाओ, फोन भी छीन लिया मुझसे। इस असना में हुआ ये कि उन्होंने कहा जी आप ये कागजात साइन करें। हाँ। तो वो कागज मैंने फिर उनसे, एक बंदे ने आके ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा ये पहला जो सेट है फॉर्म वो प्रिंटेड फॉर्म था स्टैंडर्ड, ये कहता है कि हाँ मैंने रूस का जो है वो कानून जो है उसके खिलाफ वर्जी की है। हाँ। और मैं एक सो एडमिट करता हूँ। दूसरा कहता है कागज की जो सुपरवाइजिंग अफसर है उसके जो फैसला है मैं उस फाइनल फैसले को तस्लीम करता हूँ, चैलेंज नहीं करता। और तीसरा ये कि मैं वकील का जो अपना हक है वो मैं फोरफिट कर रहा हूँ। और मैंने कहा ये तो सीधा सीधा मुझे काम उतारने वाले तो जेल वाली बात है सारी। बट उन्होंने कहा नहीं ये साइन करो और तुम जहाज और वापस जापान जाओ। मैंने कहा जापान में जा नहीं सकता। हाँ। वहां से एग्जिट हो चुका है मेरा। हाँ। फिर मैंने उनसे कहा मैं ये कागज साइन करता हूँ। हाँ। लेकिन मेरी शर्तें, एक शर्त ये है कि पहली बात ये कि तुम मुझे इस एयरपोर्ट से नहीं हटाओगे जब तक कि मैं अपने सफारतखाने से बात नहीं कर लेता या अपनी हुकूमत से रابطہ नहीं कर लेता। और मैंने कहा दूसरी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मेरी आप जैकेट लाकर देंगे। हाँ। और तीसरी चीज ये कि मैं वहां से चला था बगैर नाश्ते के, रात को 2 बजे निकला था, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ चॉकलेट ही दे दो, कुछ वो कर दो। जब जैकेट आई, मैंने जैकेट पहनी, वो मेरी एविएशन की जो पायलट वाली जैकेट होती है उसमें बहुत सारी जिप्स होती है। जब मैंने वो जैकेट पहनी, जैकेट पहन के 5-10 मिनट बैठा रहा, 15 मिनट मैंने जेब में हाथ डाले, मैंने कहा ये क्या है, मैंने जैकेट अंदर खोली, अंदर से देखा तो मेरा पाकिस्तान वाला फोन उसमें रखा हुआ था। फिर कोई 1 घंटे के बाद मैंने फैसल कुरैशी को किया और फिर वहां से कहानी बदली कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ पर शोर किया, फिर वो मीडिया ने उठाया किस तरह, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चली। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान के मीडिया का, हुकूमत पाकिस्तान का। सोचती हूँ तुम्हें क्या कहूँ मैं, सिंगर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, पायलट और क्या क्या, मैं होस्ट, म्यूजिशियन, मतलब यार मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं, मेरी वोकैबुलरी खत्म होते जा रही है। बैठते हैं, मेरा ख्याल है बेस्ट चीज जो आप मुझे कह सकती हैं वो पाकिस्तानी कह सकती हैं। वो तो है और उसमें कोई शक भी नहीं है। आई लाइक टू से के बहसियत पाकिस्तानी, मुझे मेरी पहचान पाकिस्तान, मुझे वो मंजूर है सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा पसंद है वो। जी ये बताओ कि हम जब बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमसे गलतियां भी होती हैं। होती हैं बिल्कुल। है और सबसे बड़ा इंसान मुझे हमेशा वो लगता है जो अपनी गलतियों को मान लेता है, और तुमने ऐसा किया भी। अगर तुमसे कुछ गलत हुआ 2014 में मोहनजोदड़ो में जो आप लोगों ने फेस्टिवल अरेंज किया और वो उसमें बहुत मेहनत भी हुई, पैसा बहुत खर्च हुआ, ये उस बार तुम्हें खुद भी रियलाइज हुआ कि वो कुछ नहीं, वो मेरी नज़र में मुझे तो मेरा उसमें ये जहाँ तक मेरा रोल था ना, मुझे तो अपना और जितने हमारे देखो इंडस्ट्री के लोग थे सारे के सारे, तो हमारे इंडस्ट्री के या तो सारे लोग गलत थे, यू अंडरस्टैंड। सो हमने जो किया ना, हमने तो अपनी नेक नियति के साथ किया। हाँ। अच्छी नियत के साथ किया। पीछे सरकारी सतह में उसमें क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ना उसमें हमारी पहुंच थी ना हमारा उसमें कॉन्सेप्ट उस हवाले से, मेरे ख्याल से की तारीख के हवाले से, सकाफत के हवाले से। देखो सुनैन, मैं एक चीज बताता हूँ, उस दिन से पहले कितने ही लोग जिक्र करते थे मोहनजोदड़ो का, इसलिए तुम्हें कर रहा हूं। नहीं मैं, मेरा सवाल है ना कि जब आप किसी चीज को हाईलाइट करते हैं ना, किसी अपने नेशनल मॉन्यूमेंट को, अपनी किसी चीज को, जब तक आप उसको हाईलाइट नहीं करें। अच्छा उस वक्त जब ये हुआ तो सबको ख्याल आ गया, मोहनजोदड़ो याद आ गया। लोगों को उस वक्त उसका ख्याल नहीं आता जब 14 अगस्त के दिन या ईद वाले दिन वहां के मकामी लोग उसमें अंदर गलियों में मोटरसाइकिल लेके वीलियां कर रहे होते हैं। वो तो कर रहे होते, लेकिन उस वक्त का जो ख्याल था कि लोग घर में भूख और प्यास से मर रहे और करोड़ों का खर्चा था यार उस वक्त। अगेन इसको भी समझने की बड़ी जरूरत है सादिया, कि कोई खर्चा उसका आउट ऑफ द स्केड्यूल नहीं था। आप ये भी लोग नहीं ना समझते, ये हाइप बननी बड़ी आसान होती है इसका, हालांकि इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको इतना बता देता हूँ कि जो बजट था वो था जो कि हर साल कल्चर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है। सही। उसी बजट के अंदर रह के ये काम किया गया। सही। पहली दफा था कि वो किसी एक ऐसी चीज में लगाया गया कि वो नजर आ रहा था कि ये हो रहा है, वरना यकीन जाने कि कल्चर डिपार्टमेंट का वही बजट होता है और वो कहाँ लगता है उसके उसके ऊपर कोई बात करता है। कभी नजर ये नहीं, उस पे कोई बात नहीं करता। 2014 से पहले किसी ने कभी नहीं जिक्र किया 2013 या 12 या 10 में क्या हुआ था। वो ये नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज गई की थी, बिल्कुल भी नहीं, वो उसके अंदर रहते हुए उन्होंने किया था। लेकिन मेरी नजर में उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता था, बहुत ज्यादा बेहतरी हो सकती थी। और उसका एक और भी चीज थी कि उसको हमने एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रोजेक्ट, मेरा जो सोच थी वो थी कि ये सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए, ये सरकार पे इसका बोझ नहीं होना चाहिए, इसको खुद अपने आप को
पहले साल अगर उसको कर रही है सरकार, तो अगले साल ये अपने आप को खुद सस्टेन करे ना, जिस तरह बहुत सारे दुनिया भर में फेस्टिवल होते हैं जो अपने आप को खुद सस्टेन करते हैं। तो ये उसका आइडिया था, लेकिन बदकिस्मती से उस पर यकीनी तौर पर सियासत भी हो रही थी, उस पर बहुत यकीनी तौर पर दावे दूसरे भी चल रहे थे, जो कि बहुत बाद में मुझे आया, जिसपे मुझे बड़ा दिल मेरा खफा हुआ कि यार ये घूम फिर के तो उधर ही आ गई कहानी सारी की सारी। और जहां तक कि मैं एक चीज बताऊं, हमारे मुल्क के मसाइल की बात है ना, बच्चों की मेल न्यूट्रिशन की बात है या बच्चों के एजुकेशन की बात है या बेसिक हेल्थ केयर की बात है, वो चैलेंजेस तो हमारे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। मुझे इस बात का दुख है, पहली दफा मैं देख रहा हूँ, पहली दफा होमलेस शेल्टर बनाया गया, ये पहली दफा हुआ है कि आपने सुना है ना, वरना हर सर्दी में क्या इससे पहले सर्दियां नहीं होती थी, होती क्या इससे पहले होमलेस लोग नहीं होते थे, इससे पहले ये वाली सोच नहीं थी ना। हाँ, ये फर्क है, सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं इंपॉर्टेंट होती, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात का क्रेडिट जाता है, जब तक आप सोचते नहीं है ना, फिर आप एग्जीक्यूट भी नहीं करते। आपका सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। आपको बार बार आपकी जैकेट जब देखती हूँ, तो उसमें मैं बड़े मजे से पाकिस्तान का झंडा, उसके साथ ही जब मैं अमेरिका का झंडा देखती हूँ, क्या रीजन क्या अमेरिका से फ्लाई किया था? अच्छा, हाँ, अमेरिका का झंडा इसके लगाया मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया, उसकी वजह ये कि मैंने अपनी पायलट जहाज उड़ाने की तरबियत अमेरिका से हासिल की सारी, अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, ट्विन इंजन रेटिंग, जहाज मुझे वहां से मिला। अल्लाह ताला का ये था कि मुझे मिल नहीं रहा था तो मुझे जहाज भी वहीं से मिला, फिर मुझे सारी सपोर्ट वहां से मिली, मुझे स्पॉन्सर्स भी अमेरिका से मिले। तो इसलिए मैं समझा कि ये बड़ा यू नो मेरी तरफ से ये होना चाहिए, जैसे होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो अमरीका का झंडा भी अपने साथ लेकर जाऊँ, लेकिन सीने पे मेरे जो है वो हर जगह ज्यादा पाकिस्तान का झंडा है, जो है पाकिस्तानी। ऑफ कोर्स वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे तो कि तुम रहे भी, तुम सियासत का भी थोड़ा थोड़ा तजिया भी बड़ा अच्छा कर लेते हो, नजर भी तुम्हारी बड़ी गहरी होती है, सियासत से फिर दूर भी हुए थोड़ा सा, तुमने अपना कोशिश करी। मैंने कोशिश नहीं की, अपना वो छान के निकाल लिया, बिल्कुल अंदर पहुंच गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये रोड ही गलत है, ये रोड ये मेरे मतलब की रोड ही नहीं है। मैं ये बिल्कुल ये बात तो आपके प्रोग्राम से आवाम को बता देना चाहता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं एहसास था, मेरा सियासत मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मेरा कप ऑफ टी जो है वो ये है कि मैं एक मेहनती इंसान हूँ, ठीक है, और मैं अपने मुल्क के लिए एक बड़े खुलूस के और यू नो बड़े खुलूस के साथ काम करना पसंद करता हूँ, अपने मुल्क की बेहतरी का सोचता हूँ, अपने मुल्क का को एलिवेट करने का सोचता हूँ। तो मेरे लिए ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सियासी मकासद के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना, मुझे मुल्की मफादात और मुल्की मकासद के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो गोया हुकूमत जिसकी भी हो, मैं अपनी कैपेसिटी में बहसियत पाकिस्तानी जिस तरह बेहतर काम कर सकता हूँ, जिस शोबे में मैं समझता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, अगर मुझे उसमें कहा जाए कि आप उसमें कोई काम करें तो मैं हाजिर हूँ हमेशा। लेकिन अब की दफा मेरा जो मेरी शरायत होंगी उसमें एक शर्त ये होगी कि फिर अब की दफा मेरा टोटल कंट्रोल होगा, मुझे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के और दूसरे सियासतदानों के उस पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैं जो और भुगतना हमें पड़ेगा तो ये अब मैं ये नहीं करूंगा। अभी तुम देख रहे हो इस हुकूमत के, तो भाई इन 100 दिनों में, क्योंकि 100 दिन इस हुकूमत को इस तरह लोगों ने बेचारे, मेरा ख्याल है वो हुआ, देखिए सियासत सियासत होती है ना, सियासत सियासत होती है। मसला ये कि 100 दिन का ये जो शोशा था, ये छोड़ा भी हुकूमत ने खुद था, लेकिन और वो चले ठीक है, वो उनकी नेक नियति थी, वो चाह रहे थे कि हम 100 दिन के अंदर इतना कुछ कर दें, लेकिन फिर ऑब्वियसली जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको रियलिटीज हिट होती है, आपको चैलेंजेस जो है वो हिट होते हैं, आपको समझ में आते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो उसके बाद फिर आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा आपको रियलिटी चेक मिलता है। तो पेस है मेरा, मेरी अपनी नजर में ये एक नहायत ही इनजस्ट अप्रोच है कि आप हुकूमत को 100 दिन के ऊपर इतनी जिद पे लगे हुए हैं कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ, इन्होंने कहा था कितने बच्चों बचकाना वाली बात है यार। तो एक मिनट, आप 40 साल से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार, आप तो 40 साल से कर रहे हैं ये रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान, 40 साल से ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं। हाँ, वो फ्लां पार्टी हो, फ्लां पार्टी हो, कोई भी जमात भी हो, तो सबके अपने वो है। तो अभी इनको पहली दफा एक तो मौका मिला है, और ये कि हाँ इनसे मेरा ख्याल है एक छोटा सा हो गया था कि 100 डेज का गोल उन्होंने, लेकिन अगेन खान साहब का कमाल ही है, इमरान खान का, कि वो हमेशा अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल रखते थे। जब 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था, तो जब हम सबने राइट ऑफ कर दिया था कि ये तो फारिग है, तो वहां से वो लेकर आए थे ना जीत के। मेरी हुकूमत से एक गुजारिश होगी कि आप प्लीज ना इन चीजों के ऊपर तवज्जो ना दें, आप अपने काम पे तवज्जो दें, बस ये इस पे उस पे। चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर पे जो इंक्रोचमेंट्स और चीजें साफ की जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारा जो रोजी थी, हमारा रोजगार था, वो खत्म हो गया। तो मैं कहती हूँ जब आप एक चीज कब्जे की जगह पे अच्छा, बना रहे हैं, तो वो फिर कैसे उसमें, आप उसमें उसमें मैं एक तो मैं बिलीव करता हूँ कि इंक्रोचमेंट्स और गलत कब्जे और ये सब कुछ नाजायज चीज गलत है,
उस पर मैं 10,000% एग्री करता हूँ, और उसको करना मेरा ख्याल है बहुत पहले कर देना चाहिए था, अब इतना देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो छोटा सा इसमें इजाविया है वो ये कि मैं भी सरकार को ये चाहिए था, हुकूमत को ये चाहिए था कि उसका अल्टरनेटिव प्लान तैयार होता कि जनाब कल हम आ रहे हैं, आप लोगों को पर्चियां दे रहे हैं, फलां जगह पे आपके लिए हमने वो किया है। हाँ। ये चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने तो हुकूमत को किराया दिया हुआ था और वो लीजें भरी हुई थी, तो हम आपकी लीज ट्रांसफर कर रहे हैं इस जगह पर। इमरान खान सर बेहतरीन, बेस्ट, लेजेंड, आइकॉन। जरदारी साहब नाकाम। चाहता हूं कि ये जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, खास तौर पे अगर दुश्मन की नजर पड़ जाए या वो तमाम बदकिस्मत लोग पाकिस्तानी जो दुश्मन की बातों पे आकर मुल्क के खिलाफ अंदर से काम करते हैं, वो जरा नजर डालें इस यादगार पर शोधा की, और हमारी तारीख से वाकिफ हों, जिस मुल्क की बुनियादों में उस धरती के लाल का खून पड़ा हो, अब उसके बच्चों का खून रखा हो, तो उस मुल्क की बुनियादों को कौन हिला सकता है, उस इमारत को जिसकी बुनियाद में उसकी यू नो उसके अपने बच्चों का खून हो, तो उस इमारत को कौन गिरा सकता है। मैं दूसरी एक चीज बताऊं, आप अगर गौर से देखें ना कि किसी को पता ही नहीं है, लोग समझते हैं एयरफोर्स में ना रफीकी साहब और राशिद मिन्हाज के अलावा मतलब ज्यादा शोधा की कहानी नहीं पता। ये अगर आप गौर से देखें, आपको पता है 100 से ज्यादा मार्टिर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के 65 और 71 की जंग की। सो ये बड़ी तारीख है पाकिस्तान एयरफोर्स की और बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाक फजाइया की हमारे मुल्क की तारीख में। जब ये तखरीबकारी का और इधर उधर चीजों में जो है शहीद हुए थे, तो ये तो हम जानों के नजराने देते आए हैं, कब से देते आ रहे हैं हमारे शोधा। अब यहाँ बैठते या कुछ बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कुछ फखर से जानते हैं कि फखर ने जिस दौर में सिंगिंग और खास तौर पे रैप, मैं कहती हूँ कि वो जो एक म्यूजिक को नई दिशा दी थी, एक नए आप जॉनर में पहुंचे थे, आपने रैप भंगड़ा किया था। आज के दौर में आर्टिस्ट रजिस्टर करना जो है ना बड़ा, ड्रामे के लोग नहीं रजिस्टर होते यार, एक्टर्स बेचारे आपको पता है बहुत सारे वो रजिस्टर नहीं होते, वो काम बड़ा जबरदस्त कर रहे होते हैं मगर वो रजिस्टर नहीं होते लोगों को ना। कोई इक्का दुक्का कहीं से बेचारा होता है जिसका कोई बहुत ही सुपर हिट गाना हो जाता है, वो सारे चैनल बजा देते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पे मीडिया का जो है ना एक्सपोजर, उसका जो लैंडस्केप चेंज हो गया ना, अभी इतने सारे चैनल्स हैं कि आप एक चैनल पे आ रहे हैं 10 दफा आ रहे हैं आप उसमें हफ्ते में, लेकिन उसको कोई ज्यादा लोग देखते नहीं, तो आप कभी वो वाली ब्रेक थ्रू नहीं हासिल कर सकेंगे। फर्स्ट वन पाकिस्तानी जिसको गूगल ने इनवाइट किया, करेक्ट, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जिसको वहां पे बुलाया गया था, बिल्कुल, और आप ही लोगों ने खबरें चलाई थी उसकी। यस, और रैपिड फायर मुझे पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको पता है रैपिड फायर क्या है, मैं नाम लेते जाऊंगी और ये ठक ठक जो दिमाग में चलता रहेगा वो बोलता जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, कोशिश गुड, जरदारी साहब नाकाम, फवाद चौधरी बेहतरीन, मुस्तफा कमाल पीएसपी, एमकेएम माजी ग्रेट, सड़क किस्मत, गुड गुड गुड। तीन चीजें अगर तुम्हारे पास हो किस किन को दोगे, किताब, फूल और चॉकलेट? किताब बच्चों को, फूल बेगम को और चॉकलेट खुद। भाभी ये बस आपको पटाने के लिए, आप समझ गई होंगी, आप तक तो आप समझ ही गई होंगी इसको। इमरान खान साहब बेहतरीन, बेस्ट, लेजेंड, आइकॉन, क्रिकेटर। नवाज शरीफ माजी, माजी ये माजी की हकीकत है ना, मतलब ये माजी है हमारा, ये तारीख में मुझे नहीं, हाँ मरियम शायद मुस्तकबिल में उसका कोई सियासी करियर हो। मुल्क बेहतरीन, मुस्तकबिल रोशन, मुस्तकबिल कामयाब, मुस्तकबिल इंशाल्लाह। हमारा जवान, हमारा जवान, हाँ। फौजी जवान, फौजी जवान, मुल्क की सलामती की जमानत और हमारी सलामती की जमानत।
वक्त कितनी तेजी से निकलता है इसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। आज मेरा दोस्त फखरे पाकिस्तान है। I'm so happy कि मैं अब इसकी दोस्त हूँ, मेरे लिए यही काफी है। ये मैं बहुत इस चीज को फील करती हूँ, आप लोग भी इस चीज को फील करें कि ये हमारे मुल्क का सास है, ये पूरे मुल्क की पहचान बना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू। सॉरी मैंने घर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कह दिया था कि ये मेरे दिल का घर है, ये जहाज जो है, हवाबाजी जो है ना, ये मेरा पैशन है और ये मेरे दिल में, मेरी रग रग में बसा हुआ है हवाबाजी, एविएशन। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान से बहुत से और लड़के और लड़कियां वो हवाबाजी की तरफ, एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ आएं, एविएशन की तरफ आएं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है आने वाले दिनों के अंदर। सो ये मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको और ज्यादा ज्यादा मोटिवेट कर सकूं। ग्रेट। और मेरी कोशिश होगी कि आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव चीजें कर सकूं। That's great. Thank you so much, once again. Thank you so much. आप लोगों का, जो आप लोग हमारे शो को देखते हैं, फीडबैक देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसी के साथ सादिया मैम को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नए चेहरे, नई जगह, और हो सकता है नए शहर के साथ भी हो। सो कीप वॉचिंग समा के मेहमान।